जिनको भूख है उन्हीं को खेलने को दिया जाएगा, जिन पे हंगर है सक्सेस होने की उन्हीं को खेलने दिया जाएगा, उनके अलावा भारतीय टीम में किसी भी प्लेयर की जगह नहीं है। दोस्तों इस तरह की कट्टु बात करके भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि अब जो है आने वाले दिनों में शायद कुछ खिलाड़ियों को इसका सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों हमने देखा है कि भारतीय टीम में एक ट्रेंड चल चुका है, कुछ लोग जो है अपने आप को, कुछ खिलाड़ी जो है अपने आप को भारतीय टीम की अपनी पूरी टीम से अपने आप को ऊपर समझते हैं। तो इसी का खामियाजा जो है अब आने वाले दिनों में BCCI के साथ साथ रोहित शर्मा मिल करके उनको दिखाने वाले हैं। दोस्तों कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी तरीके से क्रिकेट खेला जाए, मगर ऐसा नहीं होता है। दोस्तों हमने देखा है कि कुछ यंग प्लेयर्स ने टेस्ट सीरीज़ हो रही थी जिसमें भारत ने अपना जो है एक तरह से पूरी टेस्ट सीरीज़ अपने नाम कर ली है, उसमें देखा गया है कि कुछ लोग जैसे हार्दिक पांड्या हो गए, ईशान किशन हो गए, इन्होंने जो है पूरी टेस्ट सीरीज़ में जो है अपने आप को खेलने से मना कर दिया था और कहा था कि हम जो है फिट नहीं हैं। और मगर अब देखा जाए तो IPL आने वाले हैं और साथ साथ जो अगले सीज़न में हमने T20 वर्ल्ड कप होने वाला उसके लिए ये लोग फिट हो जाते हैं, यानी पैसों के लिए ये लोग फिट हो जाते हैं और टेस्ट सीरीज़ नहीं खेलते हैं। इस तरह की कटाक्ष करते हुए रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधा कहा, देखो भाई अगर आप जो है टेस्ट सीरीज़ नहीं खेलने के लिए तैयार हो, अगर आप में भूख नहीं है जीतने की और एक तरह से सक्सेस पाने की, तो आपके लिए हम पूरी तरह से भारतीय टीम के पूरे दरवाजे बंद कर देंगे और आपका करियर बर्बाद कर सकते हैं। इस तरह की ताकत हमारे पास है क्योंकि इस समय मैं कप्तान हूँ, मैं मेजबानी करता हूँ। इस टेस्ट सीरीज़ में हमने करके दिखाया है कि हमारे होते हुए कोई भी टीम में कोई भी नहीं आ सकता है। हमारे पास सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है और हम ही तय करते हैं किस तरीके के प्लेयर जो हैं हमारे जो IPL के साथ साथ जो है अन्य खिलाड़ी किस तरह से खेलेंगे। तो ऐसे ही देखने के लिए इसी को देखते हुए रोहित शर्मा भड़क उठे हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब आने वाले दिनों में हम उस खिलाड़ी को एंटरटेन नहीं करेंगे जो अपने आप में घमंड में चूर है और भारतीय टीम में खेलने को एक तरह से अपना उपहास मानता है। टेस्ट भी खेलने पड़ेंगे, रणजी भी खेलने पड़ेंगे, T20 भी खेलना पड़ेगा, वर्ल्ड कप भी खेलना पड़ेगा और वनडे भी खेलना पड़ेगा। हर फॉर्मेट में खेलने के लिए तैयार है, जिसको जहां खेलने के लिए बोला जाए वहां खेलने के लिए तैयार है और किसी प्रकार के घमंड में ना जिए, अन्यथा उसके फ्यूचर के साथ जो है खिलवाड़ हो सकता है। इस तरह की लंबे दौड़ के घोड़ा बनो और साथ साथ जो है भारतीय टीम को मजबूत करो। दोस्तों समझने वाले समझ जाते हैं, इसको समझाने के लिए रोहित शर्मा ने सीधा सीधा कह दिया था।